क्या बॉलीवुड से आने वाली है एक और गुड न्यूज। प्रेग्नेंट है यामी गौतम। एक के बाद एक मंदिर में दर्शन कर रही एक्ट्रेस को देख फैंस ने लगाया अंदाजा। अब भाई ये सारी बातें हम नहीं बल्कि बॉलीवुड की पहाड़ी ब्यूटी यामी गौतम के बारे में लोग कह रहे हैं। फैंस को तो पूरा यकीन है कि आलिया बिपाशा के बाद अब यामी भी जल्द ही गुड न्यूज सुनाने वाली हैं। दरअसल यामी इस समय अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश में हैं। सिर्फ यामी ही नहीं, उनके साथ उनके पति आदित्य धर भी मौजूद हैं। वैसे यामी सिर्फ अपने घर घूमने नहीं गई हैं, बल्कि वो इस समय हिमाचल के सुप्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन और आशीर्वाद ले रही हैं। यही वजह है कि लोग यामी के प्रेग्नेंट होने के कयास लगा रहे हैं। जहां हाल ही में यामी ने नैना देवी मंदिर के दर्शन किए और पूजा पाठ की, वहीं अब यामी पहुँच गई हैं हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर में, जहां से खुद यामी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। इस दौरान यामी गौतम गोल्डन सूट में रेड दुपट्टे को सिर पर लिए एकदम सुहागन लुक में नजर आ रही हैं। वहीं आदित्य ने भी उनके साथ गोल्डन कुर्ता पजामा में ट्विनिंग की है, जिसमें वो काफी जच रहे हैं। यामी और आदित्य ने ना सिर्फ माता के दर्शन किए बल्कि पूरे श्रद्धा से मंदिर में हवन और पूजा पाठ भी किया। वहीं सिर्फ ज्वाला देवी मंदिर ही नहीं बल्कि यामी और आदित्य ने बगलामुखी माता के मंदिर में भी दर्शन किए, जहां यामी और आदित्य साथ में ही पहुंचे थे। गोल्डन सूट और पीली चुनरी में यामी नई नवीली दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आईं। दोनों ने यहां भी खूब पूजा पाठ किया। यामी का इस तरह एक के बाद एक मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लेना फैंस को पसंद तो आ ही रहा है, वहीं वो ये जानने के लिए भी बेताब हैं कि उनका अंदाजा सच में सही तो नहीं है। तभी तो यामी की इन तस्वीरों पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, इसका मतलब है कि गुड न्यूज जल्द ही आने वाली है। एक और ने लिखा, आप प्रेग्नेंट हैं, वाओ। वहीं एक अन्य ने कहा, आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे। इस तरह से लोग यामी की प्रेगनेंसी का अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक ना तो यामी और ना ही उनके पति आदित्य ने ऐसी किसी भी खबर को शेयर किया है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह यामी ने अपनी शादी को गुपचुप तरीके से किया था, ठीक वैसे ही गुड न्यूज सुनाते वक्त भी वो करें। अब यामी कब ऐसा करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि यामी ने 4 जून 2020 को फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धर संग साथ फेरे लिए थे। यामी ने बेहद ही गुपचुप तरीके से अपनी शादी रचाई। कानो कान यामी ने अपनी शादी की खबर को किसी को नहीं लगने दिया। खुद यामी और आदित्य ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर इस खबर की जानकारी फैंस को दी थी। इसी साल दोनों ने अपनी शादी की पहली सालगिरह भी मनाई थी। वहीं शादी के बाद दोनों हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। अब फैंस इसी इंतजार में हैं कि आखिर कब यामी और आदित्य अपने बेबी के आने की गुड न्यूज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।